हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं इंडियन टीचर पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है तो यूट्यूब द्वारा आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो दोस्तों लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप दोस्तों अपने चैनल के नाम के अकॉर्डिंग आप अपना यूट्यूब URL को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों चेंज करना है और दोस्तों YouTube URL से होता क्या है, यदि आप दोस्तों इस URL को Google पे जाके सर्च कीजिएगा तो वहां से दोस्तों आपका YouTube ओपन हो जाएगा। इस कस्टम URL को दोस्तों कैसे चेंज किया जाता है, इसके लिए आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे URL को लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप अपना YouTube चैनल को क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे दोस्तों यहाँ पे डॉलर के नीचे वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेसिक इन्फो का ऑप्शन पे आना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन यहाँ पे नीचे करना है। यहाँ पे चैनल URL लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल। 100 सब्सक्राइबर होने के बाद दोस्तों ये हाईलाइट होता है, यदि आपका नहीं हुआ है 100 सब्सक्राइबर तो आपका यहाँ पे अनहाईलाइट रहेगा। तो इसके ऊपर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमें सजेस्ट कर रहा है इंडियन टीच हेल्प 2M। दोस्तों ये चैनल मेरा नाम है और वही नाम से ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इस प्रकार से रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो चैनल नाम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। कुछ दोस्तों इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर एक बार आपको कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से दोस्तों आपका चैनल URL चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चैनल URL मेरा पहले ये था और अब यहाँ पे कस्टम URL में चैनल यहाँ पे ये है। आप दोस्तों इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।